हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आप सबके कमेंट्स पढ़ के फिर से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आप सभी ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। आज यहाँ बैठ कर बात करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं जो यूज़ करती हूँ वो मेरे बहुत पुराने हैं और ख़त्म नहीं हुए हैं। कुछ मेरी शादी के टाइम के हैं, कुछ बाद में मैंने 3-4 साल पहले ख़रीदे हुए हैं, तो वो सभी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ। और कुछ प्रोडक्ट्स की जो है ना एक्सपायरी डेट होती है, जैसे पाउडर वगैरह हुआ, उन पे पड़ी रहती है एक्सपायरी डेट, लेकिन वो फिर भी उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ, मुझे कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को तो नहीं बोलूँगी कि आप लोग ऐसी कोई गलती कीजिए, मुझे जब रिएक्ट होगा तब होगा, नहीं होता है तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। और वैसे भी जब मैं कोई स्किन केयर कर रही होती हूँ तब तो मुझे कॉम्पैक्ट वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना है। जब कोई मेकअप लुक करती हूँ तभी मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं खुद कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं केवल क्रीम वगैरह जो आप लोगों को बताई हुई है पहले भी, मैं बस वही इस्तेमाल करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा मेकअप खुद नहीं करती हूँ, तो वो प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं, चलते जाते हैं। एक दो प्रोडक्ट्स हैं जैसे लिपस्टिक है, काजल है, मस्कारा है, ये सब मेरे फेवरेट हैं, तो मैं इनका ही यूज़ करती हूँ। जब मुझे किसी वेडिंग में भी जाना होता है या किसी पार्टी में जाना होता है तो बस मैं इन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। बाकी फाउंडेशन मेरे लिस्ट में नहीं होते हैं और पाउडर भी नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि पाउडर भी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मैं क्रीम पर भरोसा करती हूँ, क्रीम रखे भी रहती हूँ कि कहीं मुझे लगेगा, जैसे विंटर वगैरह में होता है कि निकल गई या ड्राई लगने लगा तो फट से आप थोड़ी सी क्रीम लगा लो, तो मैं इसी तरह की ब्राइट क्रीम यूज़ करती हूँ लैक्मे की, और वही मेरे पर्स में भी मैं रखती हूँ। दिखाने के लिए नहीं मिलता, यहाँ से कौन सी दुनिया दिखती है? गधे रोज मुझे ले आते हो धूप में तपाने के लिए, उधर से ये तुम्हारी दुनिया है, वो जो रोज धूप में सड़ाने के लिए ले आते हो अब बेटा, ठंड नहीं है उतनी। तो दोस्तों, मेरा तो नीचे जाने का वक्त हो गया, मैं चली अपनी रसोई में। और आजकल दिन बड़े हो गए हैं इसलिए अंधेरा तो होता नहीं है, मन इसका मानता नहीं है, इसको लगता है बस और घूमो, और जब तक हम लोग रसोई से फ्री होते हैं तब तक अंधेरा हो जाता है। तो उत्कर्ष बाबू का मन नहीं लगता है यहाँ पे नीचे, उनको लगता है बस छत पे थोड़ी देर और खेलने मिल जाए, लेकिन अब टाइम तो टाइम होता है भाई, घड़ी थोड़ी ना रुकती है। और एक खुशी की बात है, उत्कर्ष बाबू के नीचे के दांत हिल रहे हैं, पता नहीं कब खिड़की खुलेगी। दोस्तों, मैंने अभी हाल में ही एक मेकअप वीडियो शेयर किया था, आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू, क्योंकि वो आप लोगों ने पसंद किया, अप्रिशिएट किया। विदाउट फाउंडेशन मेकअप लुक मैंने किया था, और जल्दी ही मैं दूसरा मेकअप लुक भी करूँगी, मुझे याद है कि आप लोगों ने बोला है फाउंडेशन वाला, तो करती हूँ, थोड़ा सा समय मिल जाए, थोड़ा व्यस्तता चल रही है, और जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं तुरंत वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। हम लोग नीचे आ गए हैं दोस्तों, अब मैं जल्दी से अपनी रसोई करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, देखती हूँ आज क्या बन रहा है, और जो भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
आज मैंने जो रेसिपी ट्राई की है वो अनएक्सपेक्टेड थी कि वो ऐसी बनेगी और वो बहुत ही लाजवाब बनी है। बिल्कुल मतलब मैं क्या कहूँ कि मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने उसे बना लिया। और एक्चुअली मैं मेरी एनिवर्सरी आने वाली है और वो ना उत्कर्ष के चाचू का व्रत पड़ जाएगा उस दिन, इसलिए मैं ये सोच रही थी कि देखो खाने वाले तो दो चार ही लोग हैं, अब उसमें से भी एक का व्रत हो तो मेरा मन नहीं करता कुछ भी बनाने का। तो मैंने ट्राई किया था आज सिंघाड़े के आटे का केक और वो इतना स्वादिष्ट बना था, इतना अच्छा बना था कि मैं क्या कहूँ। चेरी वाला केक बनाया था और मैं तो बस ऐसे ही उत्कर्ष का दिल रखने के लिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चे को ये ना लगे कि मैं बनाना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मुझे मन में तो लग रहा था कि ये नहीं बनने वाला है, सिंघाड़े का आटा वैसे ही खाने में कैसा लगता है। और लेकिन केक बहुत स्वादिष्ट बना था, बहुत अच्छा बना था और मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है कि मैं अब अपनी एनिवर्सरी वाले दिन जब उसे बनाऊंगी तो वो खराब बनेगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है जब मैं पहली बार कोई चीज़ ट्राई करती हूँ ना वो A1 बनती है और जब दोबारा उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं ट्राई करती हूँ तो वो फूट जाता है केक या कोई भी रेसिपी, कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है। जैसा मेरे बर्थडे के टाइम में हुआ था, केक में नीचे मैं वो रखना भूल गई थी, ग्रीस करना भूल गई थी तो वो पूरा केक उसमें चिपका रह गया था। तो ऐसे ही कुछ मुझे डर है, मैं कोशिश करूँगी कि फिर से वैसा ही अच्छा अच्छा बन जाए और ये रेसिपी मैं आप लोगों को भी बताऊँगी, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। व्रत वाले दिन नहीं आपका मन करेगा कुछ ऐसा तला भुना खाने का तो आप केक खा सकते हैं, स्टीम्ड रहता है बहुत, सारी व्रत वाली चीज़ें मैंने डाली थी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं खा सकते हैं व्रत। मैंने मेरा मन कर रहा था मैं थोड़ी सी सूजी डाल दूँ शायद अच्छा बन जाए, लेकिन बिना उसके ये बहुत अच्छा बना। तो मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, कैसा बना। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ शब्दों में, शायद बयां नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो आज का व्लॉग यही रेसिपी के साथ मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियोस को, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।